अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक हुसैन और आप देख रहे हैं तो पैरिजन टीवी। दोस्तों, मुझे एक बात बहुत परेशान करती है। जापान में एटम बम कराया गया, तबाही और बर्बादी के बावजूद आज जापान दुनिया के चंद अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, और हम लोग एटमी पावर रखने के बावजूद गुर्बत और मुफलसी में फंसे हुए हैं। लोगों से मदद मांगते हैं, इधर उधर कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं। वजह क्या है? अल्लामा साकिब रजा साहब फरमाते हैं, मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामायामाल देख। अगर काफिर आज दुनियावी शानो शौकत हासिल कर गए तो देखो कि उन्होंने मेहनत की, और तुम जब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे तो फिर अल्लाह का जाबता ये नहीं है कि वो मेहनत करने वालों को महरूम रखे और नकम्मों को नवाज दे। तने मुर्दा से बेजार है हक, तने मुर्दा से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। मन जहादा वजदा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया। चींटी भी दाना उठाती है, हिम्मत नहीं हारती तो बिल आखिर अपनी मंजिल तक ले जा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, लामा इकबाल साहब ये फरमा गए थे, मतलब ये है कि अपने आप को मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक डाल लो, मेहनत को अपना शेवा बना लो और तालीम को अपनी ताकत बना लो। साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसे यूरोपियन ममालिक आगे हैं, ऐसे आप लोग भी अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। उनके पास चार आंखें और दो दिमाग नहीं है, हमारी तरह के वो इंसान हैं। अल्लाह पाक उसको अता करता है जो मेहनत करता है। पाकिस्तान और इस जैसे गरीब ममालिक वो भी तरक्की पाएं, मेहनत और गुड प्लानिंग के तहत वो अपनी अवाम की मदद करें, इनकी तरह खुशहाली वाली और आसानियों वाली जिंदगी गुजारें। दोस्तों, मेरे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो अपने बारे में कुछ सोचें और अपनी नेशन के लिए कुछ कर गुजरने वालों में से बने। अस्सलाम वालेकुम।